एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। आपको पता है कि हम बैचलर्स के रूम में अपने हमारे जितने भी कपड़े हैं कितने गंदे हो गए, मतलब इधर उधर मतलब बिखरे रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े लाइफ में चेंजेस लिया जाए, एक वार्डर मंगा जाए और उसमें अपने कपड़े जितने भी उसको सजा के रखे। लेकिन मेरे रूम में मतलब उसमें स्पेस ज्यादा नहीं है, छोटा रूम है काफी। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, फोल्डेबल एक वार्डर मिलता है फ्लिपकार्ट से, वो मंगाते हैं और उससे सेटअप करते हैं। और आज से वो आ गया, उसको अनबॉक्स करेंगे और उसका सेटअप करेंगे। बहुत हैवी है यार, मुझे लगा था, मैं सोच मतलब जो उसमें वायर्स मतलब जो भी सारे इक्विपमेंट है, मैं सोच रहा शायद प्लास्टिक का होगा और बट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टील का हो ताकि थोड़ा मजबूत हो। और बाहर लोग मतलब कुछ बिकने के लिए आए तो चिल्ला गए बंदा, पता नहीं, छोड़ो उनको, उसकी बात को इग्नोर करो। अब चलिए इसको की बात को इग्नोर करो, अब चलते इसको अनबॉक्स और सेटअप करते हैं। दिस इज माई लिमिटेड एडिशन सब्जी काटने वाला चाकू एंड दिस इज माई लिमिटेड एडिशन चेयर। ये एक बच्ची की है, जब वो गांव चली गई थी तो मुझे देखे गई थी। वैसे वो आ गई है, मुझे बोल रही थी पिया मेरी चेयर दे दो, फिर हाँ दूंगा दूंगा, तू तो फिक्र मत कर, देखते आगे देखेंगे ये परी का है परी। चलो इसको इस पे बैठते और इसके थ्रू अनबॉक्स करते हैं। जैसे कि मुझे लग रहा था ये प्लास्टिक का होगा, लेकिन होप कर रहा था कि ये स्टील का हो और एक्चुअली स्टील का ये बहुत हैवी है। एंड इवन जो कनेक्टर है इसके, ये जो कनेक्टर है ये भी बहुत मोटा है, इतना भी पतला नहीं है जितना मैं सोचा था, इतना पतला भी नहीं है। तो मजा आएगा, बहुत मजबूत मिलेगा अगर चीज उसको तो उसको असेंबल करते हैं। लेट्स गो। इसमें एक्चुअली उसका मैनुअल है, इसको देख के इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। पहले देख लेता हूँ फिर इस पे काम करते हैं। बड़े मुश्किल से मैंने ये सेटअप किया था, ऐसी इसको नीचे और ये ऐसा रहेगा, ठीक है। लेकिन गड़बड़ पता क्या हुआ, ये जो फ्लैप है ये दूसरे पैनल पे नहीं बल्कि इसमें इसके अंदर रहना चाहिए था। बहुत ज्यादा पेचीदा काम है यार ये, तो मुझे लगा था बहुत इजी होगा लेकिन बहुत ज्यादा पेचीदा है, फिर से करना पड़ेगा। सो फाइनली नीचे वाले का सेक्शन हो गया, अभी इसका 3 फ्लोर और बनना है। बड़ा टाइम लग गया मेरे को बनाते बनाते, अभी फिलहाल समझ में आ रहा है कि कैसा बनाना है, आगे बनाते फिर।
इसको पता तो क्यों निकाला मैंने। अभी दो कपड़े यहाँ पे एक लगेगा और यहाँ पे एक लगेगा और ऊपर भी साइड में दो और लगेंगे क्योंकि यहाँ पे हैंगर रहेंगे और जो कि हैंगर रहेंगे ना तो एक दूसरे से ना चिपके, इसलिए वो सेपरेशन चाहिए। ऐसा कंप्लीट हो गया है, अभी इसको उसके नेक्स्ट स्टेप ऐसा करना है, फिर ये ऐसा करना है। लास्ट वाला सेक्शन ऊपर वाला सेक्शन लगेगा, उसके बाद हम उसके ऊपर चादर उड़ाएंगे, मतलब उसका कवर जो है वो निकलेंगे, फिर अपना बन जाएगा। देख रहे हो कि ऐसा पूरा ऑलमोस्ट हो गया है, तो इसके ऊपर जो हैंगर लटकाने के जो वो एक होता है वो रखते हैं। ये दो ऐसे रहेंगे और यहाँ पे हैंगर लटकाएंगे। फिर इसको हम तैयार तो हो गया है, ऊपर छोड़ दिया है, एक सेकंड देखते हैं। अच्छा एक दो, ये और थोड़ा लंबा होएगा, मैंने जो ये हिस्सा यहाँ पे रख दिया है उसको थोड़ा और एक स्टेप जाएगा ऊपर, तो उसको कर लेते हैं।
तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा सेक्शन अभी हो गया है, एकदम नीचे से ऊपर तक मेरे सर के ऊपर जा रहे हैं। और अभी उसका एंड वाला सीन करना है, जो कि उसके ऊपर कवर चढ़ाना है। ठीक है, अभी वो कवर चढ़ाएंगे। तो अपना वार्डरोब सही हो गया, मतलब एकदम बन गया। यहाँ से जैसे खुलता है, ऐसे इधर से भी एक, अच्छा इसको ऐसे घुमा के भी रख सकते हैं, रोल करेंगे। सो डन। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा होगा अगर मतलब आप अकेले बाहर रह रहे हो, या फिर आप कपल्स बाहर रह रहे हो और आप ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते और आप ज्यादा शिफ्ट करते हो, या फिर कभी ना कभी तो करोगे, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये मजबूत भी है और फोल्डेबल भी है, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको खरीदें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे जाके चेक कर सकते हैं। और मेरे ओपिनियन में काफी अच्छे है, मतलब बनाने में थोड़ा मुश्किल है, बट इतना ही मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा कौन सा पहले लगेगा कौन सा बाद में। ये अगर फंडा आप क्लियर हो गया आपका, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आज के ये वीडियो में इतना, बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया, मैं चाह रहा हूँ अभी खाना खाने, भूख लगी मुझे बहुत जोर से। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए एकदम फ्री है, तो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड डू नथिंग।